जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो सर्वप्रथम यह जान लीजिए कि वेगनर जो महोदय थे वह डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस में विश्वास रखते थे, वह महाद्वीपों के विस्थापन में विश्वास रखते थे, विस्थापन प्रतिस्थापन परिकल्पना के वह समर्थक थे। तो क्या है वह, उसके बारे में आज जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि वेगनर महोदय जो थे उनका उद्देश्य क्या था, उनकी मान्यता क्या थी, पेंजिया क्या होता है, पेंथालासा क्या होता है, कार्बोनिफेरस काल क्या है, जुरासिक पीरियड क्या है, और लारेंसिया स्थलखंड क्या होता है, गोंडवाना लैंड क्या होता है, और कैसे पूरे वर्ल्ड में जो जो महाद्वीप है वो खिसक करके कैसे 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 कहाँ पहुँचे हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही इसके पीछे भी बहुत सारे और भी चीज़ों को जानेंगे, पोलर वांडरिंग क्या होता है। उसी तरह से आज हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, इसमें जानेंगे कि मिड अटलांटिक रिज क्या होता है, टेथिस सागर क्या होता है, ओपनिंग ऑफ टेथिस सागर क्या होता है, ये सब आज हम जानेंगे। कार्बोनिफेरस काल के अंदर में जो कोयले का वितरण था वह कहाँ कहाँ मिलता है उसको भी आज हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि वेगनर महोदय जो थे वह प्रतिस्थापन सिद्धांत में परिकल्पना में विश्वास तो रखते थे, लेकिन इनके सामने वास्तविक समस्याएं क्या थी उसको जरा हम एक बार समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यह पूरे वर्ल्ड के जलवायु को इन्होंने देखा था और उस जलवायु को देख करके वह एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि जिस स्थल खंड पे वर्तमान में जिस तरह की जलवायु है सदैव वहां उसी तरह की जलवायु नहीं रही है, जलवायु में समय समय पर उसी स्थान पे परिवर्तन होते रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये भारत में, अब भारत में देखते हैं कि आज यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है साउथ में, प्रायद्वीपीय भारत में, लेकिन यहाँ पे हिमानीकरण का प्रमाण मिलता है, बोल्डर्स मिलते हैं। उसी तरह से अफ्रीका में भी हिमानीकरण के प्रभाव मिलते हैं, उसी तरह से साउथ अमेरिका वाला क्षेत्र में भी हिमानीकरण के प्रभाव मिलते हैं, ये ब्राजील और इसके आसपास बोलिविया पराग्वे, लेकिन यहाँ पे आज जो देखेंगे जलवायु तो एकदम उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो यहाँ पे बर्फ का पूरा एक चादर फैलना अभी वर्तमान में संभव नहीं है। इसका मतलब ये कभी ना कभी ऐसी जगह पे रहा होगा जहाँ पे जलवायु एकदम ठंडी रही होगी, वहाँ ग्लेशिएशन हुआ होगा और उसके कारण यहाँ पे बोल्डर्स है, क्योंकि बोल्डर्स का विकास ग्लेशियर के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि जलवायु में परिवर्तन कैसे होता रहा है। साथ ही और भी कई प्रमाण है, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप को आप देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पे कोयला पाया जाता है। तो कोयला कैसे पाया जाएगा, वर्तमान में अंटार्कटिका महाद्वीप तो इतनी ठंडा है और वहाँ की जलवायु अत्यंत शीत है, -88 डिग्री तक पहुँच जाता है, वहाँ पे पेड़ तो है भी नहीं, क्योंकि कोयला बनने के लिए तो बड़े बड़े वृक्ष चाहिए। वह वृक्ष जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पनपते हैं, बाद में जब वह भू हलचल के कारण जब धरती के अंदर में दब जाते हैं तो कुछ करोड़ साल तक दबे रहते हैं, उसके बाद वह कोयला बनते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले कहा जाता है कि जो दबेगा तो वह एंथ्रासाइट कोयला बनेगा, बाद में दबेगा तो बिटुमिनस बनेगा, फिर बाद में दबेगा तो वह लिग्नाइट बनेगा, फिर बाद में दबेगा तो पीट कोयला बनेगा। और जो एंथ्रासाइट और ज़्यादा पुराने समय हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव काम करेगा उस पर, तो वह जो पेंसिल में लगाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं, तो ग्रेफाइट होता है वह ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है वह ग्रेफाइट बनेगा, एंथ्रासाइट कोयला, बाद में हीरा में कन्वर्ट हो सकता है, वह हीरा बनने का वही प्रोसेस है। तो कहने का मतलब यह है कि कोयला बनने के लिए वनस्पति तो एकदम जरूरी ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कोयला बनेगा ही नहीं। तो अंटार्कटिका में मिलता ही नहीं लेकिन वहाँ कोयला मिलता है, साइबेरिया में भी आज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, वहाँ पे वृक्ष का अभाव है लगभग, लेकिन वहाँ भी कोयला मिलता है। इसका मतलब है कि कभी न कभी वह स्थलखंड उष्ण वाले क्षेत्रों में रहा होगा। तो ऐसे हुआ कैसे, तो इसके बारे में वेगनर महोदय बहुत सारे रिसर्च करते हैं और वह रिसर्च करके यह देखते हैं कि कैसे आखिरकार जलवायु में बदलाव हुआ होगा। तो उनके सामने तीन उद्देश्य था, वो आपको हम बताते हैं अभी क्या क्या उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था टू एक्सप्लेन क्लाइमेटिक चेंज, जो पूरे विश्व का जो जलवायु में बदलाव हुए हैं उसको एक्सप्लेन करना था। दूसरा था कि महाद्वीप
और महासागर, महासागरों के अस्थायित्व को नकारना, यानी कि उन्होंने कहा कि महाद्वीप और महासागर जो होते हैं वह अस्थाई नहीं है, उनका निर्माण होता है और वह अनस्टेबल है, वह अस्थिर है, उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। वो दो उद्देश्य हुआ। तीसरा उद्देश्य इनका क्या था? तीसरा उद्देश्य था जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं और महाद्वीप में विस्थापन हुआ है। तीसरा उद्देश्य था कि जो विश्व का जलवायु जो है, जलवायु कटिबंध, वह नहीं बदलता है, जलवायु कटिबंध स्थिर रहा है और बदलता क्या है? बदलता है महाद्वीप, महाद्वीप में अस्थिरता है। जलवायु कटिबंध आप जानते हैं, अगर इस पूरे पृथ्वी की बात करें, अगर हम मान के चले जलवायु को मोटा मोटी भाग में बांट दे, तो आप जानते हैं कि विश्व की जलवायु को हम तीन वर्गों में बांट देते हैं। एक 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। उसके बाद 66.5 डिग्री तक ले जाते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। इसको बोलते हैं मकर, कर्क रेखा, इसको कर्क रेखा बोलेंगे, इसको 0 डिग्री, इसको मकर रेखा बोलेंगे, इसको आर्कटिक रेखा बोलेंगे, इसको अंटार्कटिक रेखा बोलेंगे, और यहाँ ध्रुव है तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री साउथ। और ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे, वह 90 डिग्री नॉर्थ है, ऊपर नहीं होता है इसमें, लेकिन आप समझने के लिए समझिए 90 डिग्री नॉर्थ हुआ। आप जानते हैं कि इसको कहेंगे उष्णकटिबंध, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, सूरज की किरणें लगातार सीधी पड़ती रहती है लगभग लगभग सालों भर, तो इसके कारण यह गर्मी ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध। उसी तरह से 23 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, इसके कारण उसको बोलते हैं शीतोष्णकटिबंध। न यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और न ज़्यादा गर्मी होती है, बीच का एक क्लाइमेट रहता है, उसको बोलते हैं टेम्परेट। और उसी तरह से यहाँ भी होगा 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, साथ ही 66.5 डिग्री से 90 डिग्री शीत कटिबंध है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इसीलिए फ्रिजिड जोन उसको कहा जाता है, दोनों होता है नॉर्थ साउथ में। तो ये हुआ जलवायु कटिबंध, यह अक्षांश के आधार पर निर्धारित है। अब ये जलवायु कटिबंध वाकई में बदलता है कि इसके अंदर में आप देख रहे हैं कि महाद्वीप होते हैं, वह महाद्वीप ही खिसक खिसक करके कभी उष्ण में है तो कभी शीतोष्ण में चले गए या कभी शीत में चले गए, जिसके कारण ऊपर जो उसकी जलवायु है वह बदल जाएगी, उष्ण में रहेंगे तो उष्ण होगा, शीतोष्ण में रहेंगे तो शीतोष्ण होगा। तो बात यहाँ यह है कि जो वेगनर महोदय थे वो बोले कि जो कटिबंध है वो नहीं बदलता है, बल्कि उसके अंदर में आप देख रहे हैं कटिबंध, जो महाद्वीप, किसी न किसी महाद्वीप के कोई कोई ना कोई कटिबंध होता है, तो वह महाद्वीप ही बदल जाते हैं, यानी कि उसमें परिवर्तन होता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए काफी कुछ खोजबीन किया। क्या क्या खोजबीन किया तो उसको हम लोग देखते हैं, मान्यता क्या थी उसको जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो क्या क्या मान्यता थी उसको हम देखते हैं। उन्होंने कुछ मान्यताएं, कुछ जिसको बोलते हैं ना पोस्टुलेशंस, उन्होंने वो किया हुआ था। पहला मान्यता था कि पृथ्वी का तीन परत है, सियाल सीमा नीफे, ये तो आप जानते ही हैं पृथ्वी का तीन परत है, सियाल सीमा नीफे, एडवर्ड सोएस महोदय ने दिया था सियाल सीमा नीफे, इसको SIAL बोलते हैं, सिल्का एल्यूमिनियम ज़्यादा है इसमें, सीमा जिसको बोलते हैं सिल्का और मैग्नीशियम, और यहाँ पे नीफे, वो नीफे है, निकेल और सेरियम है, भारी तत्व से बना हुआ है। तो सियाल हल्का है और सीमा भारी है, घनत्व तो सीमा का ज़्यादा है, सियाल का कम है। तो वेगनर महोदय ने कहा कि सियाल जो है ना सीमा पे तैर रही है, वह भी आराम से, आराम से तैर रही है। क्यों तैर रही है? क्योंकि इसका घनत्व तो कम है, घनत्व तो जो है इसका कम है और इसका ज़्यादा है, तो ज़्यादा घनत्व तो के ऊपर जो है कम घनत्व तो का पूरा सियाल तैर रहा है। अब क्यों तैर रहा है उसको एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाए हैं। बाद में होम्स महोदय ने एक सिद्धांत दिया था, उसको कहते हैं कन्वेक्शनल करंट की सिद्धांत। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है और उसके कारण गर्मी बहुत होता है और उसी के कारण ऊपर का जो क्रस्ट है उस पर तैरने लगता है। लेकिन उस समय वेगनर महोदय को यह पता नहीं था, इसको लेकर बहुत आलोचना भी होगा, लेकिन मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि इनका सिद्धांत जो है ये बताता है कि इस पर सीमा पे सियाल तैर रहा था। उसके बाद आपको बताते हैं, ये हुआ उनका पोस्टुलेशन। साथ ही उन्होंने बताया कि आज से 30 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में,
कार्बोनिफेरस काल में सभी स्थल खंड जो है वह एक ही जगह समेटे हुए थे, एक ही जगह समेटाया हुआ था, उसको बोलते हैं, उस बहुत बड़े स्थल खंड को बोलते हैं पेंजिया। पेंजिया मतलब संपूर्ण पृथ्वी। पेंजिया एक जर्मनी का शब्द है। यहां देखिए हमने पेंजिया बनाया है, पेंजिया एक जर्मनी का शब्द है, इसका मतलब होता है ऑल अर्थ, टोटल अर्थ। तो पेंजिया के रूप में ये पूरे स्थलखंड एक ही जगह समटाए हुए थे और इसके चारों तरफ एक महासागर था जिसको पेंथालासा कहा गया है। पेंथालासा माने ऑल ओशंस, ऑल जल का जो पेंथालासा भी जर्मनी का शब्द है। तो इसके चारों तरफ पेंथालासा था। कब था? कार्बोनिफेरस पीरियड में। कार्बोनिफेरस पीरियड कब माना जाता है? 35 करोड़ से 27 करोड़ साल पहले। तो वेगनर महोदय कहते हैं कि आज से कार्बोनिफेरस काल के अंत में, जब कार्बोनिफेरस काल का अंत हो रहा था, तो यह पेंजिया टूट गया, टूटा और टूट करके वह दो भागों में बट जाता है। दो भाग कौन कौन है? एक भाग लारेंसिया हो जाता है, एक भाग गोंडवाना लैंड हो जाता है। एक भाग लारेंसिया, दूसरा भाग गोंडवाना लैंड, और बीच में यही पेंथालासा का जल आके भर जाता है। तो उसको कहते हैं टेथिस सागर। यह संकीर्ण सागर है। देखते हैं इसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। अब इसमें क्या होगा कि लॉरेंसिया से और गोंडवाना लैंड के दोनों तरफ से जो नदियां आती है, वह नदियां इसमें मलबा का निक्षेप करेगी, अपने साथ लाए गए छोटे छोटे बालू, पत्थर, कंकर, बजरी, ये सब इसमें जमा करेंगे। तो इसमें जियोसिंक्लाइन बनेगा, ये अभी हम बाद में बताएंगे। जब यह टूट करके टेथिस सागर बनता है, उस समय जुरैसिक पीरियड होता है, जुरैसिक काल। जुरैसिक काल 18 से लेकर 13.5 करोड़ साल के बीच का काल माना जाता है। उस समय में टेथिस सागर बनते हैं, इसी को कहते हैं टेथिस का खुलना, ओपनिंग ऑफ द टेथिस सी, इसी को कहा जाता है। तो लॉरेंसिया क्यों नामकरण किया गया और गोंडवाना लैंड क्यों नामकरण किया गया, उसको समझ लीजिए। देखिए लॉरेंसिया जो है वह सेंट लॉरेंस नदी के नाम पर किया गया है। आप देखेंगे कि वर्तमान में ये जो कनाडा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, और अमेरिका का ये क्षेत्र है, ये कनाडा वाला क्षेत्र में सेंट लॉरेंस नदी बहती है। अब सेंट लॉरेंस के नाम पे बहुत कुछ है, सेंट लॉरेंस प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है यहाँ पे, और सेंट लॉरेंस एक नदी भी है, सेंट लॉरेंस की यहाँ पे खारी भी है। तो उसके आधार पे यहाँ पे लॉरेंसिया कर दिया गया। और गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड यानी दक्षिणी के महाद्वीप, उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड उसको कर दिया गया, साउथ में था इसलिए। तो एक लॉरेंसिया बनता है, गोंडवाना लैंड बनता है। बाद में लॉरेंसिया भी दो पार्ट में टूट जाता है, एक हो जाता है, आप यहां पे देख रहे हैं, ये हो जाता है लॉरेंसिया, एक हो जाता है अंगारा लैंड, और नीचे तो गोंडवाना लैंड है ही, तो ये बाद में टूटेगा। अब आपको हम बताते हैं कि कौन से फोर्स है, किसके कारण यह ऐसा हुआ है। तो इसके पीछे का कारण जो है वह वेगनर महोदय बताते हैं कि इसके पीछे दो बल है। अच्छा, ये आप जान लीजिए कि लॉरेंसिया जब टूटेगा तो उससे उत्तरी अमेरिका बन जाएगा और यूरोप बन जाएगा, और गोंडवाना लैंड जब टूटेगा तो गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका बनेगा, साथ ही साथ देख रहे हैं अफ्रीका बनेगा, अफ्रीका बनेगा, दक्षिण अमेरिका बनेगा, साथ ही साथ भारत का जो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार वाला है, ये पर हिमालय के उत्तर के छोड़ के बाकी पूरा, ये सब बनेगा, और साथ ही साथ इसमें इंडोनेशिया बनेगा, ऑस्ट्रेलिया बनेगा, अंटार्कटिका बनेगा, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, बाद में टूटेगा। साथ ही साथ अंगारा लैंड का जो पार्ट है या लॉरेंसिया का जो पार्ट है, ये तो आप देख ही रहे हैं, उत्तरी अमेरिका बनेगा और यूरोप का ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं ये बनेगा, इसमें एशिया भी शामिल है लॉरेंसिया में, तो ये बनता है। और जो टेथिस सागर है, जब बाद में बलित होकर के यहाँ पे हिमालय पूरा बनेगा, हिमालय खड़ा हो जाएगा, तो उसका जो पार्ट बच जाएगा वह भूमध्य सागर बनेगा, यानी टेथिस सागर का अपशिष्ट जो बचेगा वह भूमध्य सागर बनेगा। और जो पेंथालासा जो है, उसी पेंथालासा से प्रशांत महासागर बनेगा, अपशिष्ट कहा जाता है पेंथालासा का अपशिष्ट है वह है प्रशांत महासागर। और जो गोंडवाना लैंड है, या जो आप ये समझिए पेंजिया है, वो पेंजिया का जो पूरा का पूरा जो अपशिष्ट पार्ट है, उस कहा जाता है अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका जो है उसका अपशिष्ट पार्ट है, उसी के उत्तर में ये सारे खिसक गए हैं, ये साउथ पोल में है अंटार्कटिका अभी आप देखेंगे। तो हम अब बात कर रहे हैं कि यह खिसका कैसे, वह बल कहाँ से आया, कौन सा बल था। तो देखिए वेगनर महोदय जो थे वह दो बल का प्रयोग किया है, उन्होंने कहा कि दो बल है जो पृथ्वी में काम करता है, कौन कौन बल है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक बल है उसको कहा जाता है
ये डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको कहा जाता है अवकलन गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा बल है टाइडल फोर्स जिसको कहा जाता है ज्वारीय बल। तो उसको हम लोग लिखते हैं यहां पे, ये कैसे किसका होगा, पहला बल है अवकलन गुरुत्वाकर्षण बल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एक और नाम है, इसको आप कह सकते हैं इक्वेटर वार्ड फोर्स, इसको बोलते हैं इक्वेटर वार्ड फोर्स। क्यों बोलते हैं इक्वेटर वार्ड फोर्स, क्योंकि यह जो बल है डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स, यह भूमध्य रेखा की तरफ लगता है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा की तरफ। और इसमें एक और बल है, उसको बोलते हैं प्लवनशीलता का बल, फोर्स ऑफ बोयंसीज, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ बोयंसीज। क्या होता है फोर्स ऑफ बोयंसीज, जो है उत्प्लावन बल होता है। कहा वेगनर महोदय ने कहा कि यह जो बल है डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स, यह पृथ्वी जो है ना अपने केंद्र की ओर खींचती है चीजों को, नीचे की ओर खींचेगी, और यह जो फोर्स ऑफ बोयंसीज है जिसको प्लवनशीलता बल कहते हैं, यह ऊपर की ओर धक्का देता है, यानी एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, मतलब दोनों में डिफरेंशन है, एक नीचे की ओर खींच रहा है एक ऊपर की ओर खींच रहा है, तो दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत बल लगाते हैं। लेकिन पृथ्वी चूंकि पश्चिम से पूरब घूमती रहती है ऐसे, और साथ ही पृथ्वी का एक अपना कर्वेचर है, आप देख रहे हैं कि पृथ्वी लगभग गोल ही है, लेकिन यह लगभग अंडाकार है, इसको इलिप्टिकल शेप में इसको कह सकते हैं, यह तो जियोड है, जिसके कारण जो है जो महाद्वीप है वह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ सरक जाते हैं, ये बात वेगनर महोदय ने कहा। साथ ही एक बल की और चर्चा की, ये तो भूमध्य रेखा की तरफ बल हो गया, दूसरा एक और बल है, वह बल महाद्वीपों को पश्चिम की तरफ खींच करके ले जाता है, वह बल कौन सा है, वह बल भी जान लीजिए, तो वह बल है उसको कहते हैं ज्वारीय बल, उसको बोलते हैं ज्वारीय बल, दूसरा बल है ज्वारीय बल, इसको कहते हैं टाइडल फोर्स। किसका है, सूर्य प्लस चंद्रमा दोनों का ज्वारीय बल लगेगा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा जो है अपने ग्रेविटेशनल पुल से खींचता है महाद्वीपों को, और महाद्वीप को जो खींचेगा तो महाद्वीप पे एक बल लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे आप देख रहे हैं महाद्वीप है, पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब, अब इस पे सूरज और चंद्रमा अपना टाइडल फोर्स लगाएगा, तो टाइडल फोर्स से क्या होगा कि इस महाद्वीप को वह अपनी ओर थोड़ा सा खींचेगा, लेकिन तो चूंकि महाद्वीप को खींचेगा तो पृथ्वी का जो रोटेशन है इस पे एक ब्रेक का काम लगेगा, जब वो खींचेगा तो ब्रेक लगेगा, और ब्रेक जो लगेगा, मान लेते हैं एक महाद्वीप है इस पे ब्रेक का काम कर रहा है, तो यह महाद्वीप पृथ्वी के घूर्णन के साथ तो घूम नहीं पाएगी, थोड़ा थोड़ा पीछे हटती जाएगी, ये इधर घूमेगा, ये थोड़ा सा पीछे खिसकेगा, तो इसके पीछे खिसकने से महाद्वीपों के उसका जो डायरेक्शन है वह पश्चिम की तरफ हो जाएगा, है ना, ऐसे पश्चिम की तरफ हो जाएगा, जिसके कारण महाद्वीप पूरब से पश्चिम की ओर खिसक जाएंगे। तो महाद्वीपों को खिसकने का जो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन भूमध्य रेखा की तरफ है, दूसरा डायरेक्शन पश्चिम की तरफ है, तो ज्वारीय बल के द्वारा जो है महाद्वीप पश्चिम की तरफ खिसकेंगे। ये दो बल उसने बताया, और ये दोनों बल के आधार पर उन्होंने साबित कर दिया कि पूरे विश्व का जो आप वर्तमान में महाद्वीपों को देखते हैं वह इसी तरह से वो बदलते रहे हैं। कैसे हुआ है इसको जरा एक बार हम लोग समझ लेते हैं, तो हम मानचित्र के आधार पर आपको हम एक बार समझा देते हैं। पहले आप यहां देख लीजिए कि यह टूटता है दो खंड में, यहां टेथिस सागर बनता है, एक लॉरेंसिया है, लॉरेंसिया में भी विखंडन हो जाता है। मान लेते हैं कि यह पार्ट जो है वह
आप देख रहे हैं कि यह पार्ट धीरे 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 उत्तर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि ये सारे के सारे पार्ट उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं उससे बन जाते हैं आल्प्स, उससे बन जाते हैं हिमालय, उससे बन जाते हैं कॉकेसस पर्वत, ऐसे जिसका विस्तार आप देख रहे हैं पूरब से पश्चिम है, वैसे महाद्वीप। और जो पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं महाद्वीप, उसके आधार पर बन जाएंगे एंडीज, उसके आधार पर बन जाएंगे रॉकीज, तो इस तरह के पर्वत बन जाते हैं। तो उसको अभी आप हम समझा देते हैं। इसको आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यह अफ्रीका है, यह पूरा यूरोप है, यह आप देख रहे हैं कि भारत है, यहां पे यह ऑस्ट्रेलिया है, यह देखिए अंटार्कटिका है। यह अभी वर्तमान का महाद्वीपों को आप देख रहे हैं और महासागरों को देख रहे हैं। तो वेगनर महोदय ने क्या कहा था, वेगनर महोदय ने कहा था कि डिफरेंशियल ग्रेविटेशन फोर्स प्लस फोर्स ऑफ बोयेंसीज के आधार पे महाद्वीप भूमध्य रेखा की तरफ सरकते हैं, दक्षिण से या उत्तर से भूमध्य रेखा की तरफ, और टाइडल फोर्स के कारण वह पश्चिम की तरफ सरकते हैं। तो हुआ क्या था, आज से ये आप देख रहे हैं 18 करोड़ साल पहले लगभग, आप जुरैसिक पीरियड में चले जाइए, जुरैसिक पीरियड में क्या क्या हुआ उसको जरा हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इसमें गोंडवाना लैंड टूटता है और आप लारेंसिया टूटता है, तो लारेंसिया टूट करके क्या क्या बनेगा, ये उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये बनेगा, और गोंडवाना लैंड टूटेगा तो ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बनेगा, इतना बनेगा। ये देखिए यहां से टूट करके जब यह भाग पश्चिम की तरफ खिसक रहा था तो बीच में अटलांटिक महासागर का जल आकर के, मतलब इसमें प्रशांत जो आपका पेंथालासा वाला जो था प्रशांत महासागर, उसका जल आकर के यहां पे भर गया और इसके कारण एक महासागर का ही निर्माण हो गया। कैसे हुआ, जब यह पार्ट पश्चिम की तरफ खिसक रहा था यहां से टूट करके खिसका, तो खिसका तो यह ज्यादा दूर तक खिसका, आप देख रहे हैं यहां चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के देखेंगे तो इसकी चौड़ाई कम है, इसका मतलब ये ज्यादा दूर तक खिसका है, ये कम दूर तक खिसका है। साथ ही जो बल लग रहा था खिसकने का वह एक समान नहीं था, डिफरेंशिएशन था उसमें। इसके कारण जो है आप देख रहे हैं कि इसका बनावट इस तरह से है और इसका बनावट इस तरह से है, यह रुक रुक करके खिसका है, इसमें अवरोध ज्यादा था और इसमें अवरोध कम था। इसके कारण देखिए कि अवरोध ज्यादा होने के कारण यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे द्वीप समूह बन जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वेस्ट इंडीज है, यहाँ पे द्वीपों की एक श्रृंखला है पूरा का पूरा। इसको उन्होंने समझाया है कि द्वीप समूह जो है ना, ये कुछ पार्ट पीछे रह गए थे महाद्वीपों के साथ खिसक नहीं पाए, इसके कारण यहाँ पे आईलैंड आर्क्स बन जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी समझाया कि देखिए जब प्रशांत महासागर बन रहा था तो उस समय क्या हुआ कि प्रशांत महासागर का जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, जब यह क्षेत्र पश्चिम की तरफ जा रहा था, ये यूरेशिया का क्षेत्र, तो यहाँ पर भी बहुत सारे पार्ट पीछे छूट गए, बहुत सारे स्थलखंड पीछे छूट गए, उसके कारण जो है पूरा का पूरा यहाँ पे एक द्वीप माला बन गया, द्वीप समूह बन गए, इसको आइलैंड आर्क्स है। वेगनर ने इसको समझाया, कहा कि ये छूटा हुआ पार्ट है, हालांकि इसकी आलोचना होगी, यह सारे के सारे जो आइलैंड आर्क आप देखते हैं यह वाकई में यह महाद्वीपों के छूटे हुए पार्ट नहीं है, बल्कि उसका निर्माण स्वतंत्र रूप से ज्वालामुखी के विखंडन से हुआ है, वह ज्वालामुखी के फटने से और उसके बाद उसके मलबा जमने से वहां पे द्वीपों का निर्माण हुआ है। लेकिन वेगनर बताए हैं कि यह छूटा हुआ पार्ट है, क्योंकि दोनों के चट्टानों में असमानता है, उस समय उनको लगा कि शायद इसी का छूटा हुआ पार्ट है, लेकिन जब चट्टानों का अध्ययन किया गया तो इसकी चट्टाने इस द्वीप समूह की चट्टानों से नहीं मिलती है, दोनों में अंतर है, दोनों की संरचना में अंतर है। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो वेगनर महोदय, वह उनकी आलोचना होती है और शायद यहाँ पे वो गलत हो गए, गलत ही है। तो साथ ही साथ आप देखते हैं कि भारत जब उत्तर की ओर खिसक रहा था और अफ्रीका जब पश्चिम की तरफ खिसक रहा था, ऑस्ट्रेलिया जब पूरब की तरफ खिसक रहा था, तो यहाँ पे हिंद महासागर बन जाता है, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर बन गया। इसको देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, और महासागर तो बनते ही है, जब इंडिया उत्तर की ओर खिसक रहा होता है तो बीच में एक जो 33 सागर ऑलरेडी बना हुआ था पहले से, उसमें मलबा जमा हुआ था, एक तरह से जियो सिंगलाइन बना हुआ था, उसी मलबा में बलन हो गया, क्योंकि यह पार्ट जो है जब इससे आकर के टकरा जाता है, यहाँ पे तिब्बत का पठार है, बहुत कठोर है, उससे आकर के जब टकराता है गोंडवाना लॉरेंसिया से आकर के जब टकराता है तो यहाँ पे एक बलन पड़ता है, बलन बहुत ऊंचा उठ जाता है, उससे हिमालय बन जाता है, यहाँ पे देखते हैं आल्प्स बन जाता है,
उसी तरह से यहाँ काकेशस बन जाता है, इस तरह के पर्वत बन जाते हैं, यहाँ पे एटलस बन जाता है अफ्रीका वाला क्षेत्र में। और जब पश्चिम की तरफ जा रहा था महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का, तो इसके पश्चिमी हिस्सा में वलन पड़ जाता है, यहाँ भी नदियों के द्वारा लाए गए मलबा जमे होते हैं और इसके किनारे जो है वो फोल्ड हो जाते हैं। वेगनर महोदय कहते हैं कि सियाल जो है सीमा पे तैर रहा है, लेकिन अचानक उसमें रुकावट पैदा हो जाती है और वह सीमा के अंदर में हल्का धंस जाता है और वह उसके कारण जो है यहाँ पे एक फोल्ड बन जाता है और फोल्डेड माउंटेन यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो उसी को उन्होंने समझाया है कि इसका विस्तार इसीलिए उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण है, और इसका विस्तार इसीलिए इस तरह से है। तो इसको समझाने में वह लगभग पूरी तरह से सफल हो गए। तो आप इसको आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि उन्होंने पक्ष में क्या क्या प्रमाण दिया था वेगनर महोदय ने, तो उनके पक्ष को भी जान लेते हैं। एक बार जान लीजिए कि ये जो एस शेप है अटलांटिक महासागर का, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो है ना, जो पश्चिम की तरफ जा रहे थे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो इसमें समरूपता नहीं रहा बल्कि उसमें भी डिफरेंशिएशन हुआ, और बीच का जो मिड अटलांटिक ओशन है वो कहते हैं कि वह छूटा हुआ पार्ट है। इसी से दोनों तरफ अटलांटिक महासागर का विस्तार होता है और बीच का पार्ट छूटा हुआ है, वही मिड अटलांटिक रिज है। लेकिन यहां भी वेगनर साहब जो है वह गलत साबित हो जाते हैं, वह छूटा हुआ पार्ट नहीं है बल्कि वह कुछ और ही है, वह तो राइज है, जिसको बाद में हैरी हेस महोदय बताते हैं कि वह मिड अटलांटिक रिज जो है वह क्या है। उसी के जरिए जो है अंदर से बहुत गर्म गर्म लावा निकलता है और इस अटलांटिक महासागर का प्रसरण कर रहा है, उसको फैला दे रहा है, उसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसको समझाया था। तो ये तो आलोचना हो गया वेगनर महोदय का, इसको भी समझाने का उन्होंने कोशिश किया था लेकिन यहाँ पे वो गलत साबित हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि उनका जो पूरा का पूरा जो सिद्धांत है उसके पक्ष में उन्होंने क्या क्या प्रमाण दिया है। तो सबसे पहले उन्होंने एक प्रमाण दिया कि साम्य स्थापना वाला एक कंसेप्ट दिया, कहा कि देखिए ये जो महाद्वीप है आप देखते हैं अफ्रीका और ये देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका, अगर ब्राजीलियन हाईलैंड्स को गिनी की खाड़ी में मिलाया जाए दोनों को एक जगह, इसको लेकर के यहाँ पहुंचा दीजिए, इसको लेकर के इधर पहुंचा दीजिए, इसमें घुसा दीजिए इसको, तो बन जाएगा जिग सौ फिट के रूप में यह आ जाएगा। भौगोलिक साम्यावस्था उसको कहते हैं, उसको बोलते हैं भौगोलिक साम्यावस्था, मतलब लगभग लगभग ये दोनों महाद्वीप जो है आपस में मिल जाएंगे, तो उसको बोलेंगे भौगोलिक साम्यावस्था। अब हम उसको भी लिखते हैं यहाँ पे कि उनके पक्ष में क्या क्या प्रमाण था। तो आप पक्ष में प्रमाण को लिख लीजिए, पक्ष में उन्होंने क्या क्या प्रमाण दिया। पहला दिया साम्यावस्था, साम्यावस्था जिसको बोलते हैं जिग सो फिट, भौगोलिक साम्यावस्था भी इसको कहते हैं, भौगोलिक साम्यावस्था। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि दोनों कभी ना कभी एक साथ रहे होंगे, बाद में टूट के अलग हो गए होंगे, तो इसके लिए उन्होंने ये बात कही। जैसे मान लेते हैं कि कैसे टूटता है इसको आप समझिए, जैसे ये हमने हमारे हाथ में एक पेड़ा है, पेड़ा बना हुआ है, अगर इसको हम बीच से तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा आप देखेंगे कि ये ऐसे बीच से जैसे ही बल लगेगा नीचे से तो क्या होगा कि यह बीच से टूटेगा, ये टूटेगा और आप देख रहे हैं कि टूटेगा तो इसका दोनों किनारा नीचे की ओर धंसेगा, ये देख रहे हैं ना, ये साइड का किनारा ये दोनों नीचे की ओर धंस रहा है और बीच का पार्ट जो है लगभग हल्का सा उठ गया है तभी जाके ये टूट रहा है, ऐसे टूटेगा तो ऐसे होगा। तो उन्होंने कहा भी था कि सियाल जो है सीमा में हल्की सी धंसी हुई है और उस पर फ्लोट करती है और वह टूट जाती है और यहाँ से फिर वह धीरे 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 दोनों अलग हो जाते हैं, और चूंकि यह जो पार्ट है वो हल्का सा नीचे की ओर है जिसके कारण जो है वहाँ पे फोल्ड हो जाता है, उसका किनारा ऊपर उठ करके पर्वत बन जाते हैं। तो इसके उदाहरण से आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर ये दोनों किनारों को एक साथ मिलाया जाए तो यह आकर के फिर से सट जाएंगे, जिग सो फिट हो जाएंगे, पूर्ण रूप से नहीं सटेंगे लेकिन यह लगभग लगभग सट जाएंगे, बीच में बहुत थोड़ा सा पार्टी है जो इससे अलग रहेगा, तो इसको कहते हैं जिग सो फिट। तो आप इसको समझ गए होंगे जिग सो फिट क्या होता है। तो इन्होंने ये उदाहरण दिया कि इसको सटाया ब्राजीलियन हाईलैंड्स और गिनी की खाड़ी में अफ्रीका से सटाया। दूसरा आपको उदाहरण बताते हैं कि दूसरा इन्होंने अपने पक्ष में क्या क्या प्रमाण दिया। तो दूसरा इन्होंने प्रमाण दिया कि जो यूरोप है, यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि जो यूरोप है और जो उत्तरी अमेरिका है इसके जो तट है, मतलब अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी जो ये तट है, ये जो यहाँ की जो चट्टाने हैं उस चट्टानों में बहुत समानता मिलती है, दोनों की चट्टानों की संरचना में समानता है। इसका मतलब है कि शायद दोनों कभी एक साथ रहे होंगे। ऐसे भी एंटोनियो स्नाइडर ने भी कहा था कि कैसे दोनों के बीच में जो जीवाश्म मिलते हैं कोयले के परतों में, वो दोनों में समानता है। इसका मतलब दोनों जो है कभी एक साथ रहा होगा और अलग अलग हो गया है, इसी कारण तो समानता मिलता है। तो इसको कहेंगे कि तटों में समानता मिलता है। क्या कहेंगे इसको? महाद्वीपों के कौन से, यूरोप प्लस उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों में समानता है, के चट्टानों में समानता है, खास करके किनारों वाले चट्टानों में। तीसरा देख लीजिए, उन्होंने और भी कई सारे उदाहरण दिए। तीसरा उन्होंने जो दिया है उसको हम कहेंगे भूवैज्ञानिक समानता, तो बता दिया आपको, नवीन बलन पर्वत। अब देखिए नवीन बलन पर्वत की समानता देख लीजिए, उन्होंने कहा कि जो आल्प्स पर्वत है, ये जो आप हिमालय पर्वत है, ये जो एटलस है, सब एक साथ ही बने हैं, ये सारे के सारे नवीन बलन पर्वत टर्सरी काल में बने हुए हैं, चाहे वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ही क्यों ना हो ऑस्ट्रेलिया का, चाहे ये रॉकी पर्वत हो या एटलस पर्वत, ये एंडीज पर्वत हो, एटलस पर्वत हो, ये सारे के सारे जो पर्वत है वो टर्सरी काल में बने हैं नवीन बलन से। इसका मतलब है कि उसी समय में भू हलचल हुई होगी और बड़े पैमाने पर महाद्वीप जो है वो सरक करके अपने स्थान से हटे होंगे, तभी तो यह मिलता है, नहीं तो ऐसे तो मिलेगा नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ रहा था, तो इसके कारण इसका शेप ये जो है पूरब से पश्चिम हो गया और ये जो है पश्चिम की तरफ जा रहा था, इसलिए इसका शेप जो है उत्तर से दक्षिण हो गया। तो इस आधार पर भी उन्होंने बताया है कि ऐसा हुआ है। साथ ही हर्सिनियन पर्वत का भी क्रम वो बताते हैं कि हर्सिनियन काल में भी जो पर्वत बने हैं उसका भी एक क्रम मिलता है, अगर उसको एक लाइन से खींच करके मिलाया जाए तो सारे के सारे एक लाइन में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि वो सब एक साथ बने होंगे। तो ऐसे पर्वत निर्माण के कई क्रम हुए हैं जिसमें टर्सरी कालीन पर्वत और हर्सिनियन कालीन पर्वत भी बने हैं। साथ ही साथ आप उन्होंने और भी कई उदाहरण दिया है, जैसे उन्होंने आइसलैंड आर्क, एक तो हो गया आपका नवीन वलिन पर्वत, नवीन वलित पर्वत, साथ ही अभी आपको हमने बताया था द्वीपीय चाप, द्वीपीय चाप या आइलैंड आर्क्स, उसके आधार पे उन्होंने कहा कि जो प्रशांत महासागर का जो आप क्षेत्र देखते हैं ये, इसको आप ग्लोब पे ज्यादा अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। देखिए हमारे पास एक ग्लोब है, वो बताते हैं कि जो आइसलैंड आर्क्स है वो कैसे बने हैं। ये प्रशांत महासागर का ये पूरा पार्ट देख रहे हैं आप, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये साउथ पैसिफिक ओशन। कहते हैं कि महाद्वीप जो है वह जब अमेरिका जब पश्चिम की तरफ जा रहा था और जब ये एशिया और जो रशिया वाला क्षेत्र है ये पूरा का पूरा यूरेशिया जब पश्चिम की तरफ जा रहा था तो क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे जो है स्थलखंड छूट गए, जिसके कारण आइलैंड आर्क्स बन गया। यहाँ पे ज़्यादा छूटा इसीलिए यहाँ ज़्यादा आइलैंड मिलते हैं। लेकिन ये जो आप देखते हैं कि पैसिफिक ओशन का पूर्वी जो क्षेत्र है जो कि अमेरिका से लगा हुआ है, ये पूर्वी क्षेत्र ये लगभग सपाट है, यहाँ पे देख रहे हैं कि द्वीप का अभाव है। वो बताते हैं कि यहाँ पे नहीं छूटा इसके कारण यहाँ द्वीप का अभाव है, और ये इधर ज़्यादा छूटा इसके कारण यहाँ ज़्यादा द्वीप बने हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे कि वेस्ट इंडीज के जो द्वीप है उसको उन्होंने बता दिया, और साथ ही साथ जापान का जो द्वीप सब है उसके बारे में भी बताया, फोकलैंड द्वीप के बारे में भी बताया। तो उन्होंने इस चीज़ को एक बार डिफाइन करने की कोशिश की, हालांकि द्वीप के बारे में उनकी जो संकल्पना है आधारभूत रूप से गलत है, क्योंकि अधिकांश द्वीप जो है वह ज्वालामुखी से बने हुए आइलैंड आर्क्स है, तो वहाँ नवीन चट्टाने मिलेंगी, उतना पुरानी चट्टाने मिलेंगी नहीं, तो इससे वो भी वहाँ पे गलत साबित हो जाते हैं। साथ ही आपको हम बताते हैं कि पूरा जीवाश्मी साक्ष्य क्या क्या है, जैसे मेजोसोरस जंतु और ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति, पूरा जलवायु शास्त्र का उन्होंने पूरा जलवायु प्रमाण में उन्होंने बताया कि उस समय ग्लोसोप्टेरिस नाम का वनस्पति था, कब, कार्बोनिफेरस काल में। ग्लोसोप्टेरिस क्या होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष हुआ करते थे, 100-100 फीट के ऊंचे वृक्ष हुआ करते थे, और वह वृक्ष तभी रहेंगे ना जब वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, बहुत ज़्यादा वर्षा होगा, बहुत ज़्यादा उष्ण वाला क्षेत्र होगा, तभी वो पनपे होंगे, यानी कि वहाँ की जलवायु जो है उस तरह से रही होगी। और उसके बाद
जब वहां पे हिमानीकरण हुआ, कहां पे? गोंडवाना लैंड में। वह मुख्यतः गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है। गोंडवाना लैंड उस समय कहां था? वह साउथ पोल के आसपास था। वहां पे बहुत ज्यादा हिमानीकरण हुआ, उसको बोलते हैं कार्बोनिफेरस हिमानीकरण, कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण, ग्लेशिएशन ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड। उसके प्रभाव से कई जगह पे जो वृक्ष थे वो नीचे दब गए, और वही दबे हुए पार्ट बाद में कोयला बन जाता है। तो वो बताते हैं कि ग्लेशिएशन का उदाहरण मिलता है। जैसे आप ब्राजील में देखेंगे तो ग्लेशिएशन का उदाहरण मिलता है, साथ ही अफ्रीका में मिलता है, साथ ही भारत के उस प्रायद्वीपीय पठार पे मिलता है जहाँ पे वर्तमान में तो संभावना ही नहीं कि ग्लेशिएशन होगा, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो वो बताते हैं कि सब पार्ट एक जगह कभी रहा होगा। कहाँ रहा होगा? साउथ पोल के आसपास रहा होगा, क्योंकि ग्लेशिएशन तो साउथ पोल पे होगा ना, यहाँ पे तो होगा नहीं, भूमध्य रेखा पे तो ग्लेशिएशन होता नहीं है, तो साउथ पोल पे होगा। कभी ना कभी साउथ पोल पे सारे के सारे रहे होंगे और यहीं से टूट करके अलग अलग हो गए होंगे, तभी तो वहाँ ग्लेशिएशन का प्रमाण मिलता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ वो क्या क्या मिलता है। साथ ही साथ उस समय दक्षिणी ध्रुव की जो स्थिति थी ना, वो डर्बन के पास में थी। तो ये बताते हैं कि दक्षिणी ध्रुव की जो स्थिति थी वह डर्बन के पास में थी। और भी वो उदाहरण बताते हैं, जैसे लेमिंग नाम का वो चूहा की बात करते हैं, लेमिंग नाम का एक चूहा टाइप का एक जीव हुआ करता था, वह लारेंसिया वाले क्षेत्र में रहा करता था। ये पूरा जब पार्ट एक साथ लगा हुआ था, बीच में अटलांटिक नहीं था, ये पार्ट एक साथ लगे हुए थे, तब वह जीव रहा करता था और वह विचरण करता था यूरोप से उत्तरी अमेरिका, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ वह जाया करता था। उसके डीएनए में आज भी इस तरह के प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है कि वह अपनी यात्रा को पूरब से पश्चिम की तरफ करता है, और आज भी जब अटलांटिक महासागर बन गया है तब भी वह अपनी यात्रा जारी रखे हुए है, और जब इधर से यात्रा करता है तो अटलांटिक महासागर में डूब जाता है, यानी कि जाकर के उसी में मर जाता है। तो आज भी उसकी टेंडेंसी बनी हुई है। तो उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि लेमिंग नाम का जो चूहा था या अभी है, तो वह भी जो है ऐसे ऐसे इधर से पूरब से पश्चिम जाया करता था। तो यह प्रमाणित करता है कि कभी न कभी यह महाद्वीप एक साथ लगा हुआ था। तो ये है, और भी बहुत सारे प्रमाण उन्होंने दिया है। जैसे ग्रीनलैंड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है वह कभी न कभी इससे यूरोप से लगा हुआ था, लॉरेंसिया से लगा हुआ था, और अब क्या है कि धीरे 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 ग्रीनलैंड पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है और उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि कभी न कभी वो कनाडा से जाकर के लग जाएगा। शायद बैफिन की खाड़ी और डेविस जल संधि जो है वह बंद होकर के इसमें मिल जाएगा, क्योंकि प्रतिवर्ष 4 से 5 सेंटीमीटर यह खिसक जा रहा है, या उससे भी ज्यादा उसकी रफ्तार है, ऐसा उन्होंने कहा था, और ये बात उस समय साबित भी हुई थी। हालांकि बाद में कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह नहीं खिसक रहा है, लेकिन वर्तमान के प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर तो आप कह सकते हैं कि सारे स्थलखंड अस्थिर है, वो सब एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में खिसकते ही रहते हैं, सारे प्लेट्स है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेट पे स्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड का खिसका रहे थे वो वेगनर साहब, तो इसमें कोई गलत नहीं था, और आज के नए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर भी ये साबित होता है कि ग्रीनलैंड खिसक रहा है। तो इसके आधार पर उन्होंने बताया कि खिसक रहा है क्योंकि महाद्वीप खिसकते ही रहते हैं, इसीलिए खिसक रहा है। तो इसका जो दूरी है यहाँ से ब्रिटिश द्वीप समूह और ग्रीनलैंड, वो बढ़ रहा है दूरी, और इसके बीच के जो दूरी है कनाडा और ग्रीनलैंड, उसका दूरी कम हो रहा है क्योंकि उस तरफ ही बढ़ रहा है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने प्रमाण देने की कोशिश की और सब कुछ समझाने की कोशिश की, हिंद महासागर कैसे बना, प्रशांत कैसे बना, अटलांटिक महासागर कैसे बना, अटलांटिक महासागर का इस शेप कैसे है, मिड ओशनिक रीज क्या है, आइलैंड आर्च क्या है, उसके बाद ग्लोसेप्टेरिस वनस्पति, कोयला वगैरह, ये सब उन्होंने समझाया। अब देखिए, अब उनके विपक्ष में भी बहुत सारे लोगों ने बोला है, अब उनकी आलोचना करते हैं। इन्होंने तो इतनी अच्छी बातें बताई, अब उनकी आलोचना भी कर लेते हैं। तो आलोचना में मुख्यतः क्या क्या आता है उसको देखते हैं। आलोचना में कुछ लोग कहते हैं कि जो बल उन्होंने बताया था, सबसे ज्यादा आलोचना होता है उसका, कि जो बल उन्होंने बताया था वेगनर महोदय ने, डिफरेंशियल ग्रेविटेशन फोर्स और फोर्स ऑफ बोयंसीज प्लस टाइडल फोर्स, इसके आधार पर महाद्वीप नहीं खिसक सकते हैं क्योंकि इसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो महाद्वीपों को खिसका दे। उन्होंने कहा कि जो टाइडल फोर्स है, ज्वारीय बल अगर इतना ज्यादा प्रबल रहा होगा कार्बोनिफेरस काल में, तो सारे महाद्वीप को वह तो एक जगह समेट देना चाहिए था, वो सारे के सारे महाद्वीप जो है एक जगह समटा जाना चाहिए था और फिर से वह एक बड़ा पार्ट बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके आधार पे कुछ लोग कहते हैं
कि जो वेगनर साहब है जो फोर्स की वर्णन करते हैं वो गलत फोर्स है। हालांकि बाद में होम्स महोदय ने एक कन्वेक्शनल करंट सिद्धांत देता है और वो बताते हैं कि क्रस्ट के नीचे बहुत गर्म है, वहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी निकलता है, उसी के आधार पे क्रस्ट तैरते रहता है, क्रस्ट भी टूटा हुआ है जिसको प्लेट कहते हैं। तो बाद में सिद्धांत तो आ जाता है, लेकिन इसके आधार पर भी हम वेगनर की आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन वेगनर को आप इसका श्रेय तो देंगे ही कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक फॉर्मुलेशन दिया, एक आधार दिया प्लेट टेक्टोनिक को, और इसके आधार पर हम लोग सोच सकते हैं कि महाद्वीप स्थिर नहीं है। दूसरा जो उन्होंने उनकी जो आलोचना होती है वो बताते हैं कि जो सीमा है, सीमा उस पर सियाल तैर रहा है, सीमा पर सियाल तैर रहा है, वो आराम से उसको तैरवा रहे हैं, उस पर क्यों तैर रहा है ये बताते नहीं है, लेकिन सियाल तैर रहा है सीमा पे, और सीमा को बताते हैं कि बहुत घनत्व का है, सियाल बहुत कम घनत्व का है, उस पर तैर रहा है। लेकिन बाद में अचानक वो बोलते हैं कि अचानक बाद में जो है ये जो खिसकते रहता है तो यहाँ पे आकर के यहाँ पे रुक जाता है और यहाँ पे बलन होने से पर्वत का निर्माण हो जाता है। अचानक जो है सियाल को संचालित करवा रहे हैं, अचानक से उसको कहते हैं कि रुक जाता है और वहां पे बलन पड़ने से पर्वत बन जाता है, तो उसको एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाए वो, इसके लिए भी उनकी आलोचना होती है। साथ ही साथ जो ग्रीनलैंड वाला अभी हमने उदाहरण दिया आपको कि ग्रीनलैंड जो है वो लगातार पूरब से पश्चिम की तरफ खिसक रहा है, किनारे की तरफ भाग रहा है, तो इसका भी प्रमाण अब नहीं मिल रहा है। बहुत दिनों से यह प्रमाण नहीं मिला है कि वह पूरब से पश्चिम की ओर खिसक रहा है, इसके आधार पर भी आलोचना किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जो जिग सो फिट बताया था वो जिग सो फिट भी आलोचना का कारण बनेगा, यानी कि ये जो ब्राजीलियन उच्च भूमि है और गिनी का जो खारी है इसमें इसको सटाने की बात की और बोले कि लगभग सट जाएगा, ये भौगोलिक साम्यवस्था हो जाएगी स्थापित, तो विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये भौगोलिक साम्यवस्था नहीं होगा, बीच बीच में बहुत गैप रह जाता है, 400 500 700 किलोमीटर तक की दूरियां रह जाती है, इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते दोनों सट जाएगा, तो दोनों सटेगा नहीं, तो बीच में असमानता है, इसके लिए भी आलोचना होती है कि आप ये कैसे साबित कर देंगे कि ऐसे होता है। साथ ही साथ कार्बोनिफेरस काल के पहले वो अपना सिद्धांत ही शुरू करते हैं कि कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया था, पेंथलासा था, वहां से उन्होंने सिद्धांत ही शुरू किया, उसके पहले वो बताते ही नहीं है कि ये पूरा जो महाद्वीप है ये पूरा का पूरा ये कहां पे था, क्या कार्बोनिफेरस से काल के पहले भी सब एक दूसरे से दूर थे, बाद में जुड़े फिर बाद में अलग हुए, तो इसके बारे में वो बात नहीं करते हैं, वो अपना सिद्धांत ही कार्बोनिफेरस काल से शुरू करते हैं, तो इसके आधार पर भी उनकी आलोचना होती है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बताता है कि कार्बोनिफेरस काल के पहले भी महाद्वीप जो थे वह अलग अलग थे, बाद में जुड़ते हैं फिर बाद में जुड़ते हैं, मतलब इस पृथ्वी पे कई बार आपस में जुड़े भी हैं और कई बार अलग अलग भी हुए हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से साबित होगा, तो इसके आधार पर भी उनकी आलोचना होती है। साथ ही ग्लोसोप्टेरिस नाम की जो वनस्पति है उसके बारे में उन्होंने बताया था कि उसका जो है मुख्यतः जो जीवाश्म मिलता है वह आपका गोंडवाना लैंड वाला क्षेत्र में, साउथ वाला में मिलता है। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण का भी उदाहरण वो मुख्यतः बताते हैं कि गोंडवाना लैंड में हुआ जब वह साउथ पोल पे था, लेकिन विद्वानों कहते हैं कि कहीं कहीं पे उसका जो ग्लेशिएशन का उदाहरण जो है वह यूरोप में भी मिला है और भी दूसरे जगह पर भी मिला है, तो उसके बारे में वेगनर महोदय बात नहीं करते हैं, तो इसके आधार पर भी उनकी आलोचना की जाती है। तो ऐसे ऐसे आलोचना उनकी की गई है, तो ये सब तो आलोचना हो गया, लेकिन अब आप ये जान लीजिए कि उन्होंने एक शब्द का भी इस्तेमाल किया था, कौन से शब्द, वो कहते हैं कि फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि ध्रुवों से महाद्वीपों का उड़ना, इसको भी आप समझ लीजिए। ये सारा आलोचना हमने कर दिया, बाद में हम इनका निष्कर्ष अभी निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ चीजों को उन्होंने बताया था उसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ध्रुवों से महाद्वीपों का उड़ना ये क्या होता है, ध्रुवों से महाद्वीपों का उड़ना, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फ्लाइट फ्रॉम द पोल, फ्लाइट फ्रॉम द पोल। कहते हैं कि महाद्वीपों का जो 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 ध्रुव था उसके उसके आधार पे वो है ना, वो धीरे धीरे अलग हुए हैं, यहाँ पे ध्रुव था दक्षिणी ध्रुव, उससे वो अलग अलग हो गए, तो ध्रुव से तो अलग अलग हो गए ना, तो फ्लाइट फ्रॉम द पोल मतलब ध्रुव से सारे महाद्वीप अलग अलग हो गए, इसी को कहते हैं ध्रुवों से महाद्वीपों का अलग होना, ध्रुवों से सारे स्थलखंड दूर हो गए उसको। अच्छा, ध्रुवों की हटने की जो प्रक्रिया है उसको वांडरिंग ऑफ पोल्स कहते हैं। वांडरिंग ऑफ पोल्स क्या होता है,
वांडरिंग ऑफ पोल्स, ये शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया। ये वांडरिंग ऑफ पोल्स क्या होता है? ध्रुवो के हटने की प्रक्रिया। कहां से हटा ध्रुव? क्या वाकई में ध्रुव हटता है कि महाद्वीप ही हट जाते हैं? अभी आपको स्पष्ट हो गया है कि ध्रुव जो होते हैं, जो जो आपका पोल है या जो इक्वेटर है, वो नहीं हटते हैं। इक्वेटर पोल तो सब अपने ही जगह होते हैं, बल्कि महाद्वीप ही खिसक करके वो दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। तो वांडरिंग ऑफ पोल जो है, उसका मेन जो जो आपका कारण है, पोल्स जो हट रहे हैं, वो पोल्स नहीं हट रहे बल्कि महाद्वीप ही अपने स्थान से खिसक जा रहे हैं। ये बात उन्होंने, वेगनर महोदय ने ही कहा था। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि प्लायोसीन काल में ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे ये है, ये सारे ये प्लायोसीन काल में ये बन के तैयार हुआ है। यानी कि ये सारे के सारे स्थलखंड अभी वर्तमान में प्लायोसीन काल तक आ चुके थे। कार्बोनिफेरस काल से कहानी शुरू होती है और प्लायोसीन तर जाकर के अंत हो जाता है। ये वेगनर महोदय का कॉन्सेप्ट है। ये वर्तमान में प्लायोसीन में आकर के ये अपने जगह पे अभी आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे हैं। अभी भी इसमें संचलन हो ही रहा है, प्लेट टेक्टोनिक ये कहेगा। और अभी क्या चल रहा है? अभी होलोसीन चल रहा है। प्लायोसीन के बाद प्लिस्टोसीन आया, फिर होलोसीन। अभी 10,000 साल से होलोसीन ही चल रहा है। तो अभी हम वर्तमान में जी रहे हैं। तो इस तरह से वेगनर का सिद्धांत है। वेगनर का सिद्धांत को कुछ आधुनिक काल में भी मान्यता प्राप्त हुई। जैसे कि आप देखेंगे, दो उदाहरण आप देखिए। पहला उदाहरण है डायनासोर्स का जीवाश्म। डायनासोर्स जो हुआ करते थे, आप जानते हैं कि जुरैसिक पीरियड में डायनासोर भी हुआ करते थे, उसी काल में वो मारे गए। तो डायनासोर के जो जीवाश्म है वह कीनिया में भी मिला है। आप देख रहे हैं कि यह कीनिया है और भारत का आप देख रहे हैं गुजरात। तो कभी ना कभी ये जो भारत है वह इसके साथ लगा हुआ था। कहाँ पे? ये कीनिया और अफ्रीका के साथ लगा हुआ था, जिसके कारण यह डायनासोर के जीवाश्म में समानता है, कीनिया में भी और भारत में भी, ये साबित करता है। दूसरा एक और उदाहरण है सोना का मिलना। यानी कि दूसरा उदाहरण है सोना, सोना का मिलना। सोना कहाँ कहाँ मिलता है? सोना मिलता है चिली में भी, सोना मिलता है अफ्रीका में भी। आप जानते हैं इसके क्षेत्र में कालगोरली कुलगाड़ी आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है और भारत में भी, जानते हैं पोलार का खान है, वहां भी सोना मिलता है। अब चिली में मिल रहा है, अफ्रीका में मिल रहा है, दक्षिण अफ्रीका में और भारत में मिल रहा है और ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है। तो अब इस आधार पर कह सकते हैं कि कभी ना कभी ये सब स्थलखंड एक जगह जुड़े हुए थे, बाद में सब जब अलग होते हैं तो विदाई के रूप में सोना इनको धरा दिया जाता है। कहा जाता है कि भैया आप जा ही रहे हैं तो सोना लेके जाइए, तो सोना वो लेके चले जाते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। तो इस तरह से वेगनर का सिद्धांत भी बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह है कि यह आने वाले सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक के लिए एक पूरा का पूरा आधार तैयार करता है। इस तरह से वेगनर के सिद्धांत को हम वैज्ञानिक सिद्धांत कह सकते हैं। तो इतना ही रहने देते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।